हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। जो ऑनलाइन कंसेंट है भाई, वो ओपन हो चुका है। अब ये किन किन कोर्सेज़ के लिए ओपन हो चुका है मैं आपको बता दूं। यूजी 6 सेमेस्टर के जितने भी 2017 बैच के रीअपियर के स्टूडेंट हैं, उसके अलावा 2018 बैच के 6 सेमेस्टर के जितने भी रेगुलर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये कंसेंट ओपन हो चुका है। उसके बाद पीजी 2nd 4th सेमेस्टर रीअपियर 2017 बैच ऑनवर्ड्स। तो नॉर्मली भाई यूजी के जितने भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, रीअपियर के 2017 बैच के और 6 सेमेस्टर के रेगुलर के स्टूडेंट हैं 2018 बैच के लिए, उनके लिए ये कंसेंट ओपन हो चुका है। ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा देता हूँ, मेरा ही कर लेते हैं भाई। नॉन मेडिकल विद कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर रोल नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद फाइंड स्टूडेंट, फाइंड स्टूडेंट करने के बाद देखो, अशोक कुमार, मेहताब सिंह, तो मेरा बैच है 2018, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है 2018 बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हो रहा है। ठीक है, एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, जहाँ से मैं एग्ज़ाम दूंगा। उसके बाद मेल आईडी पूछ रहा है, मेल आईडी भी डाल देते हैं। अशोक कुमार राणा 2550@gmail.com। अब की बार ये दोबारा से आईडी टाइप करनी होगी, ये टाइप कर दी भाई। मेल आईडी अपना, मेल आईडी जो टाइप करोगे उसको थोड़ा ध्यान से फिल करना, क्योंकि इसी मेल आईडी के ऊपर आप लोगों के पास जूम मीटिंग का लिंक आने वाला है। उसके बाद जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर आएगा वो मेल आईडी के ऊपर भी आता है, और उसके बाद आप लोगों के जो जूम मीटिंग है उसके चैट बॉक्स में भी आता है। ठीक है, उसके बाद ओटीपी आएगा भाई मेल आईडी पे, ये वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखो भाई, कुछ इस तरह से आप लोगों के पास ओटीपी आएगा, GJUST_E1। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखो, ये मेरे पास ओटीपी है 90 86 16, इसको आप वहाँ पर फिल कर देते हैं। 90 86 16, ठीक है, ये अपन यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है, ये गलत बता रहा है, एक सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं। 90 86 16 ठीक तो है, कोई और तो ओटीपी नहीं आया, एक बारी देख तो चेक करते हैं। ये दोबारा आ गया भाई ओटी 47 37 33। इसको वेरीफाई करते हैं। ये जो ओटीपी है ये वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो एक्टिव हो वही मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद आपको इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, जब सबमिट करोगे देखते हैं कैसी विंडो आएगी। ये सबमिट हो रहा है भाई। ठीक है भाई, उसके बाद ये स्क्रीन के ऊपर मैसेज आता है। ठीक है, इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद ये सारी डिटेल आप लोगों के पास दिखा देगा कि आपके ये एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल दिखा दी, बिल्कुल ठीक है, ओके है। उसके बाद आप इसको चेक भी कर सकते हो, चेक के लिए इसका स्क्रीन शॉट ले लेना भाई। मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने इसका, आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए देखो, यहाँ से एक ऑप्शन दे रखा है, चेक ऑनलाइन कंसेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जस्ट रोल नंबर डाल देना, ये रोल नंबर डाल दिया। उसके बाद फाइन कंसेंट, तो देखो ये सारी चीज़ें मेरी दिखा दी है। तो डेफिनेटली आप लोगों को भी कुछ इसी तरह से इसको क्या करना है, फिल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके, और लेटेस्ट अपडेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।